हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल अर्जुन। और आज मैं आ गई हूँ और एक बेबी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट। आज का प्रोडक्ट है जॉनसन्स ब्रांड का। जॉनसन्स तो बहुत पुराना एक ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेड एक ब्रांड है। और आज मैं इसी ब्रांड का जॉनसन्स कॉटन टच न्यू बॉर्न मसाज ऑयल का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और लिटिल अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट में बताना चाहिए कि न्यू बॉर्न बेबीज के स्किन होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सेंसिटिव एंड डेलिकेट। उन लोगों के स्किन के लिए ऐसा एक मसाज ऑयल चाहिए जो हाइपो एलर्जेनिक हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, पैराबिन फ्री हो, SLS SLES फ्री हो एंड साथ ही साथ क्लिनिकली प्रूवन हो, माइल्ड हो, जेंटल हो, पीएच बैलेंस हो। और ये प्रोडक्ट वो सारे के सारे क्लेम करते हैं। जॉनसन्स कॉटन टच न्यूबॉर्न मसाज ऑयल आइडियल फॉर इन्फेंट मसाज और ब्लेंडेड विथ नेचुरल कॉटन ऑयल। नेचुरल कॉटन सीड ऑयल इसके अंदर है, इसलिए ये ऑयल स्किन को बहुत अच्छे से नरिश रखते हैं, साथ ही साथ मॉइस्चराइज रखते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए ऐसा एक मसाज ऑयल जो स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को रखे नरिश्ड, मॉइस्चराइज, पीएच मेंटेन्ड और साथ ही साथ न्यूबॉर्न बेबीज के बोन्स भी होते हैं बहुत ही ज्यादा वीक, तो बोन्स एंड मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी मदद करे और ये ऑयल वो काम करते हैं। और ये ऑयल का प्राइस है 100 ml का प्राइस है बस 125 rupees। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, क्योंकि ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है। पूरा फ्लिप टॉप पैक में आते हैं और पैक बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप लोग ट्रैवल करने का टाइम कैरी कर सकते हो। न्यू मॉमीज के दिमाग में ढेर सारा क्वेश्चन रहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी बेबी के लिए सुटेबल है या नहीं। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में 100 ml में अवेलेबल है, तो छोटू सा पैक अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आप लोग ट्राई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट का और एक बेनिफिट है, जो एरोमा है ना वो बहुत ही माइल्ड है, जो बच्चों को एकदम इरिटेट नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन को एकदम 6 hours तक नरिश्ड, मॉइस्चराइज रखते हैं और स्किन का जो ग्लो है वो भी बढ़ाते हैं। तो और क्या चाहिए एक बॉडी मसाज ऑयल से। और न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ लाइट एरोमा वाला होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरोमा न्यूबॉर्न बेबीज को इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल यूज करने से इरिटेट होने का चांसेस नहीं है, रेडनेस रैशेस आने का चांसेस भी नहीं है। मैंने अर्जुन को अप्लाई किया है और उसके बाद ही ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बेबी का बस 3 month एज है और उसको मैं ये प्रोडक्ट अप्लाई कर चुकी हूँ और उसके बाद ही आप लोगों को ये मेरी खुद की ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ कि ये मसाज ऑयल को कैसे मसाज करना चाहिए। हाथों के अंदर बस थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लीजिए, उसके बाद ऐसे रब कीजिए और उससे ना ऑयल हल्का सा वार्म हो जाते हैं। और वार्म ऑयल बच्चों को मालिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे बोन्स एंड मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो भी मेंटेन रहते हैं। तो और क्या चाहिए, तो चलिए अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ।
मेरी आज की जॉनसन्स कॉटन टच न्यूबॉर्न मसाज ऑयल का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो। अगर पसंद आए है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और लिटिल अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।